एसोसिएशन मथुरा के नव निर्वाचित पदाधिकारियों का गोवर्धन में हुआ भव्य स्वागत। अभी हाल ही में संपन्न हुए बार एसोसिएशन मथुरा के चुनाव में विजयी सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों का कस्बा गोवर्धन के मुकुंद विनोद गार्डन में भव्य स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। मथुरा बार एसोसिएशन के चुनावों में अध्यक्ष पद पर सुशील शर्मा, उपाध्यक्ष श्याम सिंह जादौन, सचिव सुनील चतुर्वेदी, सचिव के यादव, कोषाध्यक्ष प्रवीण कुमार, ऑडिटर शैलेश दुबे विजय प्राप्त की है, जिसके बाद जिले में जगह जगह नव निर्वाचित पदाधिकारियों के स्वागत सम्मान किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गोवर्धन तहसील के अधिवक्ताओं ने मुकुंद विनोद गार्डन में नव निर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत दुपट्टा माला पहनाकर तथा ठाकुर जी का स्मृति चिन्ह भेंट कर किया। इस मौके पर गोवर्धन तहसील के व्यापार मंडल अध्यक्ष गणेश पहलवान तथा उनके सहयोगियों ने नव निर्वाचित अधिवक्ताओं का दुपट्टा व माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों तथा तहसील के स्थानीय वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने मंच से अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। साथ ही नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने सभी अधिवक्ताओं को साथ लेकर चलने तथा उनकी समस्याओं में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का संचालन गोवर्धन तहसील अधिवक्ता फोरम राजस्व के सचिव इंद्रभूषण कौशिक ने किया। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, लेकिन दुखद यही है जैसा मेरे सचिव साहब ने बताया कि आपके यहाँ दो पार्टी, निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि हम किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन आज बहुत दुख का विषय है कि आप लोगों ने अपने विवाद में हमको भी विवादित कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आप इस तरीके का विवाद न रखें। उसके लिए सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि यहाँ के अध्यक्ष सचिव केसी गौर साहब और गौर साहब कौन हमारे पूर्व सचिव, इनकी एक कमेटी यही गठित की जाती है और ये इस विवाद को सुलझाएगी और उसकी रिपोर्ट हमारी बार एसोसिएशन मथुरा को देगी। अगर किसी भी तरीके का कोई नहीं मानता है तो उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। विरोधी सबके होते हैं, आज हम जीत गए, हमारा कोई विरोधी नहीं। हमको जब इस पद पे आ गए तो निश्चित रूप से सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, ऐसी हमारी नियति है। किसी को ये आभास न हो के जो पदाधिकारी है उन्होंने कोई दुष्भाव किसी अधिवक्ता के साथ किया, तब तो हमारी ये सफलता है, अदरवाइज असफलता। भले जीत जाओ, पद पे आ जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साल का पद होता है, उसके बाद वही भाइयों में रहना है, तो सारे अपने भाई हैं और हमारी निजी ये चाहती है कि आप सब लोग विवाद न करें। आज बहुत कष्ट का विषय है कि हम यहाँ सम्मान करा रहे हैं और वहाँ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आगे से भविष्य में इस तरह की घटना न घटे, इसलिए जिम्मेदारी अध्यक्ष की और सचिव की सबसे ज्यादा।